नमस्कार, हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हरीना गौरव। शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर से। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के 4 सीपीएस नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने सीपीएस की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। ऐसे में आज राज्य सरकार अपना पक्ष रख सकती है, तो आज राज्य सरकार अपना पक्ष रख सकती है। आपको बता दें हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई, और ये सुनवाई होनी है हरियाणा सरकार के 4 सीपीएस नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर। याचिकाकर्ता ने सीपीएस की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता नेहा शर्मा। नेहा, अगर बात की जाए इस सब पूरे मामले की, तो कितने बजे होनी है सुनवाई और क्या कुछ लगता है सरकार की तरफ से अपनी दलीलों में कहा जा सकता है? देखिए रीना, आज काफी अहम दिन है पूरी हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ जो है 4 सीपीएस की नियुक्तियां जो हैं वो सवालों के निशानों पे हैं, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया था वो भी निशाने पर है। और साथ ही साथ रीना, एक और जो है अर्जी डाली गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, तो वो और उसमें यही कहा गया था कि जो पंचकुला से एमएलए हैं ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन, उन दोनों को भी कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, तो वो भी जो है सवालों के घेरे में है। तो तकरीबन जो है काफी ज्यादा हरियाणा सरकार के लिए आज अहम दिन है। हालांकि रीना, पिछली तारीख में हरियाणा सरकार ने जो है जवाब देने के लिए जो है वो समय मांग लिया था, लेकिन आज 2 याचिका और 1 अर्जी के ऊपर जो है कंबाइंड सुनवाई जो है वो होनी है। और मोनिका, सॉरी रीना, इसमें यही आरोप है कि संविधान के मुताबिक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है सिर्फ 15% किया जा सकता है, यानी कि पूरी विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ यानी कि टोटल संख्या है उसका सिर्फ 15% जो है उसके उतने ही मंत्री जो है वो उतने ही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। यानी कि अभी फिलहाल अगर अभी के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो फिलहाल 19 गिनती पहुंच चुकी है सीपीएस को भी मिलाकर, तो यही कहा जा रहा है कि नियमों के मुताबिक तकरीबन 13 मंत्री होने चाहिए। तो काफी ज्यादा जो है सीपीएस की नियुक्तियां सवालों के निशाने के ऊपर है और पूरा मंत्रिमंडल जो है, तो अब फिलहाल यही देखना रहेगा कि हरियाणा सरकार क्या कुछ कहती है रीना, क्योंकि पिछली तारीख के ऊपर हाईकोर्ट ने साफ पूछा था कि आप बताइए कि ये नियमों के खिलाफ है या नहीं, कितने कैबिनेट मंत्री हैं आपके। हालांकि हरियाणा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था और समय मांग लिया था, तो आज यही देखना रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट जो है पंजाब सीपीएस नियुक्तियां जो है वो रद्द कर चुकी है, 18 सीपीएस की नियुक्तियां जो है वो रद्द हो चुकी हैं, तो आज क्या वही जो जजमेंट है यहाँ पर भी लागू होगी, और जो एक कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो भी चैलेंज है। तो ये देखना रहेगा कि आज हरियाणा सरकार के ऊपर गाज गिरेगी या राहत मिलेगी हाईकोर्ट से, क्योंकि काफी ज्यादा अहम दिन आज रहने वाला है, और तकरीबन 11:30 के करीब ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी और सभी की निगाहें रीना इसके ऊपर जरूर टिकी रहेंगी। नेहा, तो कहीं ना कहीं अगर हम नियमों की बात करें और जो कुछ चलता आ रहा है उसकी बात करें, कोर्ट के फैसलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है कि हरियाणा सरकार इस पूरे सुनवाई को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट में नजर आ रही है। रीना, अभी तक जितने भी फिलहाल अगर इस मामले की बात करें तो जिस तरीके से जो याचिका में जो कहा गया है कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पोस्ट है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, और हरियाणा हाईकोर्ट जो है पंजाब की सीपीएस नियुक्तियां जो है वो भी रद्द कर चुकी है, तो एक बैकफुट के ऊपर हरियाणा सरकार सीपीएस की नियुक्तियों के ऊपर भी है, क्योंकि हाईकोर्ट भी पंजाब की सीपीएस नियुक्तियां जो है वो गैर संवैधानिक करार चुकी है। तो एक तो ये मुद्दा है जिसके ऊपर हरियाणा सरकार बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है, और अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जाए तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है वो यही कहता है कि पूरा विधानसभा की जितनी स्ट्रेंथ होती है यानी कि जितनी टोटल संख्या है उसका सिर्फ 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि गिनती जो है वो सिर्फ 15% होनी चाहिए, और इसके मुताबिक जो है 13 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, और अभी फिलहाल जो इन सभी की गिनती सीपीएस मिलाकर 19 हो चुकी है। तो ये भी हाईकोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वकील अनुपम गुप्ता जो हैं
उनसे भी पिछली तारीख में ये पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था और सत्यपाल जैन जो हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उन्होंने भी हाईकोर्ट में यही कहा था कि ये गैर संवैधानिक है। और अब फिलहाल जो है आज हरियाणा सरकार क्या कुछ तथ्य देती है और क्या आज ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी या अगली तारीखों पर डाल देगी तो ये देखना रहेगा। लेकिन सारी निगाहें रीना इसी के ऊपर है कि हरियाणा सरकार क्या कुछ दलील देगी क्योंकि आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही जो है वो केसेस चलते हैं तो क्या कुछ दलील दी जाएगी इसके ऊपर निगाहें बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, निगाहें इस बात पर कि हरियाणा सरकार अपनी सफाई में क्या कुछ तथ्य और क्या कुछ दलीलें पेश कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।